दर्शकों, मैं हूं गरिमा तिवारी। ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर लगाया गया पौधारोपण। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों से पौधा लगाने की अपील। जिला कलेक्टरेट परिसर में भारी मात्रा में फेंका गया कचरा। हरकत किसकी, प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं। नेवई थाना के अंतर्गत चलाई गई गोली हवाई फायरिंग से इलाके में फैली सनसनी। गौ अंशों की उपेक्षा से नाराज गौ सेवक पहुंचे जिला कलेक्टरेट, लगाया गौ तस्करी बढ़ने का आरोप। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्याम प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर सेक्टर एक ग्राउंड में भाजपा के कार्यकर्ता और दूर सांसद ने लोगों को वृक्ष लगाने की अपील की। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाएं, फलदार व छायादार पेड़ों के पौधे लगाएं और उसे सुरक्षित रखें। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर रखे हैं। इसमें इसके मुख्य अतिथि दुर्ग जिला के सांसद भैया विजय बघेल जी थे, मनीष भाई जी थे और हमारे पर्यावरण मित्र के सभी साथी लोग हैं। यहाँ हम लोग संकल्प लिए हैं कि 500 वृक्ष हर घर में लगाएंगे और वो भी फलदार वृक्ष रहेगा और हमारे यहाँ ये कार्यक्रम लगातार एक हफ्ते तक चलेगा। ये संकल्प के साथ आज हम लोग ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे हैं और ये भी संकल्प लिए हैं साथ में कि ये वृक्ष सिर्फ लगाने तक नहीं, इसको एक पेड़ बनाने तक का हम लोग संकल्प लिए हैं कि इसकी देख रेख का पूरा जिम्मेदारी हम रखेंगे जब तक ये पेड़ ना हो जाए। वहीं हर घर फलदार पौधे बांटे जाएंगे। हमारा लक्ष्य 500 से ज़्यादा घरों में पौधा दिया जाएगा। वृक्ष लगाना ही हमारा जिम्मेदारी नहीं है, उसको बचाने का भी जिम्मा उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास के इलाके में वृक्ष ज़रूर लगाएं, इससे प्रकृति का वातावरण ठीक रहेगा। ये बहुत ही पुण्य का काम है, बोलना चाहिए, एक पेड़ को लगाना और उसको जीवित रखकर उसको बचाना। और ये हम सबको संकल्प लेना चाहिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड जो परेशान है, जो वार्मिंग से जितना लोग जो गर्मी से पूरा पिघल रहा है, तो जितना वृक्ष लगाए उतना हम सब के लिए अच्छा है। मेरा निवेदन है कि सारे लोग वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल करें। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। इससे आदमी को सीखना चाहिए ऑक्सीजन कितना मूल्यवान है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहर में इन दिनों प्रमुख कार्यालयों में कचरा फेंके जाने का दौर चल रहा है। पिछले रात CSP कार्यालय के बाद अब कलेक्टरेट में फेंका गया कचरा। ये हरकत किसकी है, प्रशासन को अभी तक इसकी जानकारी नहीं। शहर में इन दिनों प्रमुख कार्यालयों में कचरा फेंके जाने का दौर चल रहा है। पिछली रात CSP कार्यालय में अनजान तत्वों द्वारा कचरा फेंक दिया गया था। वहीं आज कलेक्टरेट परिसर में भारी मात्रा में कचरा फेंके जाने की जानकारी सामने आई है। सोमवार को शिकायत मिलने पर निगम प्रशासन के सफाई अमले द्वारा कचरे को उठाकर क्षेत्र को साफ किया गया। बता दें कि निगम महापौर और आयुक्त हरीश मंडावे के निर्देशन में शहरवासियों को सूखा व गीला कचरा अलग अलग दिए जाने की समझाइश दिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के बीच शहर के सार्वजनिक व प्रमुख स्थलों पर भारी मात्रा में कचरा फेंके जाने की घटनाओं से निगम प्रशासन काफ़ी परेशान है। ऐसा समझा जा रहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट तत्वों द्वारा जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की मंशा से इस हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ शिकायत है, कलेक्टर के द्वार पर कचरा एकत्र है तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने से कचरा ऑटो द्वारा उठाया जा रहा है। ये कौन डाला है ये जानकारी नहीं है, अगर जानकारी कचरा कौन डाला है ला के पूरा तो उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। हालांकि यह हरकत किन लोगों द्वारा की जा रही है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में देर रात चलाई गई गोली, यह फायरिंग नेवई थाना के अंतर्गत में हुई है। हवाई फायर से इलाके में सनसनी फैल गई है। भिलाई के नेवई थाने के अंतर्गत घटना टंकी मरोदा बस्ती स्थित माँ कल्याणी शीतला मंदिर के पास की है। मौके से पुलिस ने कार पर गोली के निशान व 3 खाली खोखे जब्त किए। वहीं मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ नेवई पुलिस ने धारा 307-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। ये नेवई थाना क्षेत्र का मामला है।
बीती रात आवेदक विजेंद्र राय अपने दुकान से वापस अपने घर की ओर आ रहा था। नेवई थाना क्षेत्र में एक शीतला माता मंदिर का चौक पड़ता है जो कि छठ घाट का भी वहाँ पर है, बना हुआ है। वहीं पर कुछ लड़के कार रोककर खड़े हुए थे और अज्ञात लोग थे। इनके द्वारा उनको गाड़ी हटाने के बाद बोलकर कुछ बोला गया और इनका ऐसा कहना है कि उसी पर से उनके द्वारा एक फायर किया गया, तो उस पर से अपराध पंजीकृत किया गया नवई थाने में। और अभी उन अज्ञात जो भी लोग हैं उनकी पतासाजी पृथक पृथक टीम बनाकर की जा रही है। दरअसल कल ही जिले के नए कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने कल ही पदभार ग्रहण किया है। पूरे मामले पर एडिशनल SP संजय ध्रुव ने बताया कि बृजेश राय उर्फ पिंकी राय ने देर रात अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। भिलाई के टंकी मरोदा शीतला मंदिर के पास अंधेरे में एक कार खड़ी दिखी। बीच रास्ते पर होने के कारण बृजेश राय ने हॉर्न बजाया लेकिन कार वहां से नहीं हटी। इसके बाद बृजेश राय कार से उतरा और दूसरे कार में सवार युवकों को साइड देने की बात कही। कार सवार साइड देने के बजाय विवाद करने लगा। इस बीच अज्ञात युवकों ने कार पर 3 राउंड फायरिंग कर वहां से भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। जैसा कि प्रार्थी कह रहा है और जो कुछ फुटेज हमको मिले हैं 3 से 4 की संख्या है। कितने राउंड फायरिंग हुआ सर? अभी तो जो हमारे पास साक्ष्य है उसके आधार पर 3 राउंड। ये बिजेंद्र राय उर्फ पिंकी राय ये प्रार्थी है और ये भी थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। इसके खिलाफ भी 27 मामले हैं नेवई थाना क्षेत्र में। तो उस एंगल को भी देखकर हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी वर्तमान में निगरानी बदमाश होने के साथ साथ ये अपने पेशे के रूप में बिल्डिंग मटेरियल को बेचने का काम करता है। घटना स्थल पर पुलिस द्वारा CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है। पिंकी राय रिसाली इलाके का गुंडा बदमाश है। उसके खिलाफ नेवई थाना में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गौ वंशों की उपेक्षा से नाराज गौ सेवक पहुंचे जिला कलेक्टरेट। प्रदेश में बढ़ रहे गौ तस्करी का लगाया आरोप और की कार्रवाई करने की मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौठानों में गौ वंशों का संवर्धन नहीं किए जाने का आरोप राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी ने लगाया है। वाहिनी के सदस्यों का आरोप है कि गौठानों में घुमंतु गौवंशों को संरक्षण दिए जाने के बजाय उन्हें गांव के बाहर खदेड़ दिया जा रहा है जिससे तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर वाहिनी सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गौ तस्करी और गौ हत्या के ऊपर ज्ञापन देने आए थे और ग्रामीण गौठान में गौ माता को नहीं रखा जा रहा है जबकि राज्य शासन का आदेश है कि ग्रामीण गौठान में गौ माता को रखकर उसका संवर्धन किया जाए। उसी विषय में आज कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए थे और मेन भिलाई 3 के बाजू में पथर्रा गांव है जहां से तस्करी होती है, उतई क्षेत्र में तस्करी होती है, बिल्कुल थाने के पीछे से होता है काम और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गौ तस्कर बहुत जल्द छूट जाते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं और छत्तीसगढ़ से गौ तस्करी युद्ध स्तर पर जारी है और गौ सेवकों को पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है। जिला संरक्षक अनिल दौलतानी ने समीपस्थ ग्राम पथर्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में निर्मित गौठान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। यहां गौ वंशों के रखरखाव को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। गाँव के घुमंतु पशुओं को गौठानों में नहीं रखा जा रहा है और रोका छेका के नाम पर गाँव के बाहर खदेड़ दिया जा रहा है जहां से गौवंशों की तस्करी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है और छत्तीसगढ़ गौ तस्करी का बड़ा केंद्र बन गया है। उन्होंने गौठानों में समस्त पशुओं को रखे जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की है ताकि गौवंशों के दुर्घटनाओं का शिकार होने तथा तस्करी पर रोक लग सके और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है बल्कि गौ सेवकों को परेशान किया जाता है, उनको दिन भर थाने में बैठाया जाता है, ऊपर से अप्रोच लगाने के बाद भी FIR नहीं होता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है गौ तस्करों की। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी बंद हो और ग्रामीण गौठान में गौ माता को रखा जाए जो कि राज्य शासन का आदेश है और किसी भी ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा उनको बाकायदा फंड भी दिया जा रहा है जिसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और गौठान के नाम से पूरे पैसे खा रहे हैं।
इस दौरान वाहिनी जिला अध्यक्ष प्रिंस कसेर, उपाध्यक्ष उमेश कसेर सहित अन्य गौ सेवक उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल गौ माता की एक आंख पूरी तरह से नष्ट हो गई। गौ माता की ऐसी स्थिति देख छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी ने तुरंत डॉक्टर का प्रबंध कर गौ माता का इलाज कराया। बुरी तरह क्षतिग्रस्त गौ माता जिसकी एक आंख दुर्घटना में पूरी तरीके से नष्ट हो गई, आंखें पूरी तरह से सड़ चुकी थी, इन्फेक्शन भी हो गया था। खाने पीने वस्तु ना देख पाने की वजह से गौ माता वास्तव में इधर उधर विचरण कर रही थी। लोग उस पर पानी डालकर उसे निरंतर भगाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि गौ माता की आंखों से बदबू आने लगी थी। इसे देख गौ माता को छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी की नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर का प्रबंधन करने का इंतजाम किया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इसे गौशाला भेजना उचित होगा क्योंकि बारिश का समय चल रहा है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने से इनकी मौत भी हो सकती है। हरिओम सोनी ने तत्काल गौ रक्षकों एवं गौठान गौशाला को संपर्क किया। यहाँ डॉक्टर नहीं आते, आयोग का अध्यक्ष जी बने थे संत महात्मा जी, वो आए थे यहाँ, उन्होंने उनके बारे में बताया थे, डॉक्टर नहीं आते यहाँ। जो क्या है, बरसात में एक्सीडेंट जानवर ज़्यादा आते हैं और डॉक्टर ना होने के बाद में उनका जतन नहीं हो पाता है। उनका डॉक्टर आए तो बहुत गौ माता की सेवा हो सकती है, और डॉक्टर नहीं आएगा तो परेशानी तो है ही जी। अब पन्नालाल जी को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर आता है, टीम भेजता है, मगर वो बोलने के कारण बोलता है, दिन में एक बार आ जाए तो डॉक्टर हल निकल जाए गौशाला। लेकिन कहीं डॉक्टरों के अभाव के कारण इलाज होता नहीं दिखा तो वह श्री जय चंद जैन से छातागढ़ कृष्णा गौशाला का किसी पदाधिकारी का उन्होंने नंबर मांगा। उन्होंने गौ माता के बारे में जानकारी दी और राकेश संचेती को तत्परता दिखाते हुए तुरंत कहा कि हमारे गौशाला में आइए, हम उसका देखभाल और इलाज करेंगे। हरिओम सोनी एवं उनकी टीम के द्वारा तत्काल गौ माता को लेकर कृष्णा गौशाला छातागढ़ पहुंचाया गया। वहां शेर जी ने गौ माता को देखभाल एवं उपचार की व्यवस्था पर लग गए, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं दुर्ग जिला प्रभारी हरिओम सोनी एवं उसके पूरे टीम के द्वारा कृष्णा गौशाला छातागढ़ के संचालक का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में जो देखने को मिल रहा है, जगह जगह रोड में गाय बैठे हुए हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। इस कारण ये समस्या आ गई है कि एक तो व्यक्तियों की समस्या है कि आए दिन दुर्घटना देखने को मिली। आज ताज़ा घटना ये है कि एक गाय हमें रोड पर मिली जो बुरी तरीके से उनका आँख पूरे तरीके से ख़राब हो गया था, आँख से काफ़ी ब्लडिंग हो रही थी, रोड में वो बेहाल पड़ी हुई थी। हमने व्यवस्था करके गाड़ी कर किया और कई गौशाला में ले जाने की कोशिश किया, लेकिन हमें वहाँ जाने के बाद निराशा हाथ में लगी। कहीं पर भी उनको रखने के लिए और डॉक्टर की सुविधा हमको नहीं मिली। तब हमने हमारे एक मित्र है हमारे बंटी भैया, उनको हमने फ़ोन किया तो वो बोला भैया छातागढ़ इनको आप ले जाइए, वहाँ गौशाला कृष्णा गौशाला में ले जाइए, वहाँ इसकी देख रेख होगी। हमने गाय को लेकर यहाँ हमने आया और हमें बिल्कुल गाय को उन लोगों ने भाई लोगों ने बिल्कुल मदद करी और गाय को रखा। और यहाँ आने के बाद वो हमको एक समस्या बताई कि भाई जी आप गाय तो लेकर आए हैं, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ डॉक्टर की बड़ी दिक्कत है, डॉक्टर कभी कभार आते हैं, जब हम फ़ोन करते हैं तब आते हैं और वो भी रुक रुक कर आते हैं। तो अभी बरसात का समय है, गाय को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं और वैसे भी ये घुमंती जीव जंतु है जिनका कोई देख रेख नहीं होता, इस कारण ये आर्थिक मतलब पहले से ही बीमार रहते हैं। और अभी मैं ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मैं प्रार्थना करता हूँ और गौ रक्षा आयोग से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर में गौशाला है और उनको कम से कम हफ्ते में चार दिन बरसात है, चार दिन के लिए कम से कम डॉक्टर भेजे, एक दिन की आड़ में डॉक्टर को भेजे और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए जिससे हमारी गौ माता और गौ का स्वास्थ्य सही रहे। और हमारे जितने भी गौशाला वाले भाई हैं, जैसे उनको मैं देख रहा हूँ काफ़ी हताश और परेशान है। कारण यह है कि सिर्फ एक ही कमी दिखती है, वो है वो डॉक्टर की। तो मैं पुनः अपने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और श्री गौ आयोग के अध्यक्ष को मैं गर्वक्त प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि गौ की रक्षा करें और डॉक्टरों की टीम को एक प्रबंध करें और जिससे डॉक्टर गौशाला जाकर उनका नियमित जांच करें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन दुर्ग व नगर निगम प्रशासन की तरफ से वन ओम वैंट्री महाअभियान के तहत मंगलवार को भिलाई स्थित स्टील कॉलोनी में पौधारोपण किया गया।
जिसमें दुर्ग प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, महापौर, निगम आयुक्त सहित नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वन होम वैन ट्री महाअभियान के तहत जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के द्वारा 6 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम स्टील कॉलोनी भिलाई वार्ड 60 में किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों के साथ दुर्ग प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पौधारोपित किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जिला कलेक्टर ने मंच के माध्यम से मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने घरों में एक एक पौधा लगाएं, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। ज्यादा ग्रीनरी हो रही है, मेरा ये मानना है। दूसरा, जैसे अभी बहुत सारे विकास कार्यों के लिए हमें रोड के साइड के प्लांटेशन के जो प्लांट लगाए रहते हैं उसको काटना पड़ता है, या फिर जैसे अभी ये अपना इतना बड़ा रोड बन रहा है, 7500 करोड़ का रोड बन रहा है, इसमें भी हम लोगों ने बहुत हद तक पेड़ बचाए हैं। केवल 17-18 करोड़ के काम में केवल 17-18 पेड़ ही काटने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो एक पूरे सोच समझ के साथ हम लोग सब लोग के काम कर रहे हैं। वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। जी के मंशा के अनुरूप हम लोग वृहद पैमाने में पूरे नगर निगम क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 60 में यहाँ वृहद पैमाने में वृक्षारोपण नगर निगम के उसमें किया जा रहा है। अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क में वृक्षारोपण करके आ रहे हैं और इसी प्रकार सभी वार्ड के पार्षदों के द्वारा सभी वार्डों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ आने के लिए। हमारे नगर निगम के कमिश्नर हरीश मंडावी जी और नगर निगम की पूरी यहाँ टीम इस कार्यक्रम में लगी हुई है। वन होम वन ट्री महाअभियान को लेकर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावे ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल से इस महाअभियान की शुरुआत की गई है और शहर में हरियाली लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन एवं कलेक्टर महोदय की पहल से वन होम वन ट्री वृक्षारोपण का जो महाअभियान है, यह 6 जुलाई को अपना हमारे जो नगर निगम जो दुर्ग है उसके तहत इसका आयोजन विभिन्न स्थल पर किया गया। जो कि पौधे वितरण का कार्य जो है पिछले एक हफ्ते से हम विभिन्न क्षेत्रों में हम कर रहे थे और फिर आज के दिन को हम बिल्कुल यादगार बनाने के हिसाब से और फिर हमारे शहर में हरियाली लाने के हिसाब से हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी टीम ये पौधा लगवाने का काम कर रही है। इसी तारतम्य में आज कातुल बोर्ड में जो स्टील कॉलोनी है वहाँ पर एक ग्राउंड है CRPF के अंडर में, उसमें हमारे द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें माननीय विधायक महोदय जी, अपने मेयर साहब एवं माननीय IG साहब और कलेक्टर साहब और अन्य जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ। फिलहाल अपने जीवन सहित शहर भर में हरियाली लाने के उद्देश्य से यह पूरा आयोजन किया गया। प्रकृति को सहेजने के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम तारीफ़ें काबिल रहा। आइए हम भी जीवन में हरियाली रोपें और एक पौधा अवश्य लगाएं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से वीना दुबे की रिपोर्ट। बस्तर की बेटी पर्वतारोही नैनी सिंह धाकड़ का भारतीय जनता पार्टी ने किया दुर्ग कार्यालय में अभिनंदन। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना अनुभव को साझा किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने अद्भुत कारनामा करते हुए पिछले महीने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्से पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देश व प्रदेश को गौरवान्वित किया है। नैना सिंह के आज दुर्ग आगमन पर जिला भाजपा दुर्ग द्वारा भाजपा कार्यालय में उनका अभिनंदन व सम्मान किया गया। नैना सिंह ने बताया कि प्रदेश व देशवासियों को धन्यवाद करती हूँ, उन्हीं के दुआओं ने मुझे हौसला दिया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे लगातार 10 वर्षों से इसके लिए मेहनत करती रही थी, 11वें वर्ष में उनका यह सपना साकार हुआ। उन्होंने बताया कि सफलता का 45 दिनों का यह सफ़र काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। कोविड के डर के साथ मौसमी की बेरुखी भी मिशन में बाधक बना, लेकिन फतह के बाद ये सभी मुश्किलें मुझे छोटी लगने लगी। उन्होंने कहा, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना था जिसमें मुझे सफलता मिली। 75 दिन की ये जर्नी के बाद जिस तरह से मैं अपने भारत स्वच्छ
सुरक्षित वापस लौटी हूँ। उसके बाद सभी का जो प्यार देखने को मिल रहा है, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, उससे खुशी तो हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैंने वहाँ सबमिट किया तो वहाँ मुझे ताली बजाने वाला नहीं था। यहाँ लोगों की खुशी देख के मुझे अब घमंड सा लग रहा है कि हाँ कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सब अपने हैं जो मेरे लिए घमंड कर रहे हैं। उनका घमंड देख के मुझे गुरूर आ रहा है कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने कुछ किया है। और रही बात अभी मुझे प्रशासन से तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, और लोगों का प्यार और सम्मान के अलावा अभी तो कुछ नहीं मिला है। साथ ही साथ आज दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक व भाजपा के पितामहों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तैल चित्र पर द्वीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, जिला उपाध्यक्ष कांति जैन, जिला उपाध्यक्ष संतोष सोनी, जिला व्यावसायिक प्रकोष्ठ विनायक नाथू, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा, आईटी सेल संयोजक राजा महोबिया, बानी सोनी, नीरज पांडे, अजय चंद्राकर आदि भाजपा के इसी कड़ी में चंद्रिका चंद्राकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष उपासना चंद्राकर, जिला मंत्री दिनेश देवांगन, भाजयुमो अध्यक्ष नितेश साहू भी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पूरे देश में लगातार बढ़ रहे महंगाई व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दुर्ग शहर के 5 ब्लॉकों में चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। पूरे देश में महंगाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के साथ ही पेट्रोल डीजल व खाद्य पदार्थ खेलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन व आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग जिला कांग्रेस के 5 ब्लॉक कांग्रेस द्वारा शहर के अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन दिया और साथ ही इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों से हस्ताक्षर करवाया। आज देश में जो कोरोना काल है, आम आदमी परेशान है, रोजगार नहीं, और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो पेट्रोल और डीजल के आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ा रही है। 2014 में जब बेस प्राइस दिल्ली में 47 रुपये का था, 71 रुपये लीटर में पेट्रोल मिल रहा था, आज जब बेस प्राइस 29 रुपये है, तो कम होना चाहिए तो उल्टा 100 रुपये के पार है। आज वो भाजपा के नेता कहाँ है जो 10 रुपये गैस में पड़ने पर आधा नागुना होकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आज इतना बढ़ गया तो उनको क्या प्रदर्शन करना चाहिए, ये आप ही समझ रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग के पटेल चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भी धरना प्रदर्शन युवा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पहुंचे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता अब उब गई है, इस महंगाई से केंद्र सरकार की करनी और कथनी अब लोगों के सामने आने लगी है। इस संबंध में विधायक वोरा और ब्लॉक प्रभारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। वातावरण पूरे देश में बना हुआ है और हमारे प्रदेश में हमारे मुखिया श्री विजय बघेल और मोहन मल्लान के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने आज हस्ताक्षर अभियान चलाया। 3 चरणों में यह आंदोलन होगा। हस्ताक्षर अभियान के बाद साइकिल यात्रा, साइकिल के बाद यात्रा के बाद पद यात्रा, ये इसलिए की जाएगी कि महंगाई आज आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों की जेब कटने लग गई है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। खाने पीने की सामग्री में बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो हिंदू जो आज़ादी के बाद इतनी वृद्धि कभी देखी नहीं गई। इसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर हम मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अल्ताब अहमद के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।